क्योंकि टूर्नामेंट में चैंपियन टीम को 2 लाख और उपविजेता को 1.5 लाख, 1,50,000 तीसरे स्थान पे आने वाली टीम को 50,000 और चौथे स्थान पे आने वाली टीम को भी 50,000 की नगद राशि, ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा दिया जाए। हमको भी नहीं लग रहा था इतना। तो ये है हमारे फाइनल तक का सफर और देखेंगे दूसरा क्वार्टर फाइनल में क्या ग्लोरी एंड ग्लोरी वर्सेस लेट धानेश्वर स्पोर्टिंग के बीच क्या परिणाम लाएगा। और सेकेंड क्वार्टर फाइनल ग्लोरी एंड ग्लोरी वर्सेस लेट धनेश्वर स्पोर्टिंग, दोनों ही टीम काफी उमदा प्रदर्शन दिखा रहे हैं सेमीफाइनल तक जाने के लिए। जमशेदपुर कौन और ये साधु डेरा साधु डेरा था ना अर्जुन स्पोर्टिंग B1B साधु डेरा एक जरूरी सूचना सब कर दीजिए। एक जरूरी इलाज हमारी थैंक यू। हाँ BSS फुटबॉल क्लब जमशेदपुर जो अभी
सेमीफाइनल मैच के लिए क्वालिफाई की है। कल वो सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा और उनके जो मैनेजर हैं, कोच हैं, श्री वीर सिंह बाझी, यदि आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया ये बात नोटिस में अपने डाल लें कि कल शाम सात बजे 7 PM संध्या 7 बजे यहाँ की ऑफिशियल रिपोर्टिंग आपको करनी है। और कृपया भूले नहीं, कल समय की पूरी महत्वपूर्णता को हमें उम्मीद है कि आप समझेंगे और ठीक संध्या 7 बजे आप यहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे। ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच ग्रुप ए का जो आज का हमारा समापन मैच है। आज सुबह बहुत ही सुंदर माहौल में हमारे कई महिला जो इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की हमेशा जो परंपरा रही है कि जर्सी का सेट जो है वो प्रोवाइड करेगी, आपको मुहैया कराएगी हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, और उसी जर्सी सेट को पहनकर आपकी टीम जो है अपना सेमीफाइनल मैच खेलेगी। जो चारों सेमीफाइनलिस्ट टीमें होंगी उन्हें हमारे सिस्टम, हमारे परंपरा अनुसार जो कई सालों से चला आ रहा है, कमेटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आज का अंतिम मैच होगा हमारे 12वें अर्जुना ट्रॉफी के ग्रुप ए का ग्रुप संख्या में आकर हमारे टूर्नामेंट को कामयाब बनाए। धन्यवाद। सूरज क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज जो दर्शक का हुजूर था, मैं आशा करता हूं आपसे कल का दर्शक थोड़ा हुजूर तो ज्यादा देखने को मिलेगा। कल भी अच्छा अच्छा टीम खेलेंगे। ग्रुप बी का पहला गेम शांति स्पोर्टिंग बनाम एएफपी मानगो, दूसरा गेम खेलेंगे AR7 टेलको वर्सेस फरिया, तीसरा गेम खेलेंगे लायन हार्ट वर्सेस ओम नमः शिवाय, चौथा गेम खेलेंगे किंग संग टेलको बनाम सुरुपी एफसी भोला बंदा, पांचवा गेम खेलेंगे डेंजर क्लब रसुलिया वर्सेस युवा शक्ति बिलय पहाड़ी, छठा गेम खेलेंगे कुल्हान वॉरियर वर्सेस सूरत स्पोर्टिंग, सातवां गेम खेलेंगे A+A एकेडमी वर्सेस जैक तारा, आठवां गेम खेलेंगे ब्लैक स्मिथ वर्सेस सुनील एफसी। कल भी देखा जाए तो इसी भी अच्छा अच्छा खिलाड़ी खेलेंगे, इसमें भी नाइजीरिया का बहुत सारा खिलाड़ी भी रहेंगे। कल इस आज का सारा मैच जो है काफी कांटा भरा था, टक्कर वाली गेम थी, उसी तरह कल भी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो मैं सभी फुटबॉल प्रेमियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपना समय से पहले आ जाए ताकि आपको बैठने को अच्छा जगह मिले, ताकि आप फुटबॉल को आनंद स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। क्वार्टर फाइनल का दूसरा गेम ग्लोरी एंड ग्लोरी वर्सेस लेट धनेश्वर स्पोर्टिंग, दोनों ही टीम काफी उम्दा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों ही टीम 0-0 बराबरी पर अभी तक कोई गोल नहीं कर पाए हैं। BSSC FC जयपुर के टीम मैनेजर से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कल संध्या सात बजे हमारे मंच में आके अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे और साथ में आपको कमेटी द्वारा जो जर्सी दिया जाएगा उसी जर्सी को पहन के आप फुटबॉल खेलेंगे। संध्या 7 बजे टीम मैनेजर BSSC FC के जमशेदपुर।
और आज का ग्रुप ए का अंतिम गेम जो आप देख रहे हैं, ग्लोरी एंड ग्लोरी वर्सेस लेट धनेश्वर स्पोर्टिंग, दोनों हेड काफी प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं। अब तक होती तो कृपया करके मंच पे जाए पिंटू दत्तो। पिंटू दत्ता मंच पे आ जाए। और एक बात जो काफी देर से जिनके बारे में चर्चा नहीं हुई है सूरज, वो है जो 12 जो हमारे कैमरामैनों के स्टैंड दिख रहे हैं, कई विभिन्न प्रकार के यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण पूरे क्षेत्र में किया जा रहा है। और मेरी आग्रह है दर्शकों से, यदि आपके परिवार में से कोई भी इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण देखना चाहता है तो ढेर सारे यूट्यूब चैनल खुले हुए हैं, और मेरे परिचय की बात की जाए तो फिर खिलाड़ियों के इस दिशा चाय वाले हमारे मंच पे आ जाए। पिंटू दत्तो मेरी आवाज अब तक पहुंची तो हमारे मंच पे आ जाए। मैं 10/12/2013 दिन संडे पहला गेम शांति स्पोर्टिंग बनाम AFC मांगो, दूसरा काफी अच्छा दोनों ही खिलाड़ी के द्वारा प्रदर्शन, लेकिन अभी तक दोनों ही टीम बराबरी पर। जनवरी और 7 जनवरी 2024 राष्ट्र बिहारी कर्मकार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय पुरस्कार 30,000 रखा गया है।
अगर कोई क्रिकेट प्रेमी अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो हमारे मंच में आके संपर्क कर सकते हैं। एंट्री लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ही सुनहरा मौका था। पावर की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर, धीरे से प्ले करते कॉर्नर में तो शायद गोल में तब्दील हो जाता, लेकिन अननेसेसरी वहाँ पर जो है पावर का इस्तेमाल किया उन्होंने और गेंद बाहर लाइन के ऊपर से निकल गई। जी बिल्कुल, द प्लेस का बोल रहा हूँ, तो पावर का तो जरूरत ही नहीं था गोल में, बस हल्का सा टच सीधा गोल। लेकिन हमारे धनेश्वर टीम के खिलाड़ी अगर पावर दिखाते हुए लेकिन बॉल पर गोल से बाहर, गोल में तब्दील नहीं कर पाए। बरसात के खिलाड़ी द्वारा, लेकिन उतना ही अच्छा बचाव ग्लोरी एंड ग्लोरी के तौर पर। ग्रुप ए का अंतिम खेल क्वार्टर फाइनल, ग्लोरी एंड ग्लोरी वर्सेस लेट धनेश्वर स्पोर्टिंग। दोनों ही टीम एक दूसरे को संघर्ष करते हुए, लेकिन अभी तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं दोनों ही टीम के खिलाड़ी। इसमें भी पेंटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यही कहा आपने, उसी के इंतजार में दर्शक अभी भी जी। आगे पार हो गया ना, कपड़ा अंदर आ गया। अरे बोलना चाहिए पार। बोला तो लास्ट लास्ट में ही बोलोगे। नहीं तो दो जब पेंटिंग में ऐसे बात खाएगा।
फिर आई गया है। जर्सी नंबर हाथ उठा गए, गोल जो मारे हैं जर्सी नंबर 27 वही सुनील सरदार है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाने कांग्रेस सुनील सरदार लगातार गोल करते हुए आ रहे हैं, गोल करते हुए आ रहे हैं। और यदि हमारी जूरी टीम ने उन्हें फिर से मैन ऑफ द मैच के लिए सिलेक्ट किया तो लगातार हैट्रिक लगा देंगे ये मैन ऑफ द मैच। जो फुटबॉल में जो है कुछ भी तो नामुमकिन नामुमकिन तो नहीं है और संभव कुछ भी नहीं है, देखें आगे क्या होता है। लेकिन बिल्कुल सही समय पे ये गोल करने कामयाब हुई है ग्लोरी के लिए। जी बिल्कुल, जब तक फाइनल विसिल नहीं बजता है तब तक कहना मुश्किल है, कमबैक भी कर सकते हैं। ग्लोरी ग्लोरी 1-0 से बढ़त बना रखी है। और खिलाड़ियों में परिवर्तन, ग्लोरी एंड ग्लोरी के टीम एक बार आसमान का जो है जर्सी नंबर 7 ई, जर्सी नंबर 27 आउट। लेकिन उतना ही अच्छा बचाव गोलकीपर के द्वारा। और एक मौका है कमबैक करने में, लेकिन देखा जाए। हाँ सूरज भाई आपकी चाय आ गई। ग्लोरी एंड ग्लोरी 1-0 की लीड, एक गोल से आगे, समय घटता हुआ, मौके घटते हुए और काउंटर के चक्कर, काउंटर की पार्टी ग्लोरी एंड ग्लोरी के खिलाड़ी द्वारा। थोड़ी सी अगर दिशा दे देते नेट के अंदर तो बात कुछ बनती, लेकिन गेंद काफी तेजी से साइड लाइन के बाहर। जब तक लंबी बिसी फाइनल बिसी जब तक नहीं बजेगी कहना मुश्किल है, बिल्कुल कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि फुटबॉल अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। दिशा बन ली है वहां मैट्रिक में, नहीं
एक मौका मिला है कम दो करने के लिए लेट डायनासोर स्पोर्टिंग के खिलाड़ी को, लेकिन इस मौका को गवा दिए। काउंटर है, काउंटर अगर इसी को बोलते हैं, और काउंटर अटैक में कोई सफलता नहीं, सीधा धुड़कते धुड़कते बोल वहां से कोई बीट करना था। जी बिल्कुल सही, बोल जाए या ना जाए, बोल भी कंफ्यूज में था किधर जाए किधर नहीं। बहुत ही शानदार मोमेंट तैयारी किया था, अच्छी व्यूहरचना सजाई थी, और जितना डर था सही हुआ, दम दे और आज के बाद सच निकली और बिल्कुल आपके क्षणों में और दर्शकगण कृपया करके शांत रहे। बांस का इस तरह का है, जो बांस दिया गया है उसको इस बार ना है, खिलाड़ियों में परिवर्तन, दोनों ही टीम के खिलाड़ी जर्सी नंबर 14 आउट, जर्सी नंबर 15 इन, और दोनों ही टीम बराबरी पर एक एक गोल पे। जर्सी नंबर गोल कितना मारा है, गोल जो गोल मारा जर्सी नंबर आगे वाले जर्सी नंबर 7 जो गोल करके अपने टीम को बराबरी करके, ये क्या कुछ क्षण कुछ क्षण, इसीलिए हम लोग कहते हैं हमेशा कि ये फुटबॉल है कुछ भी हो सकता है।